बजनई हरी क्यों खो में सटे में चली जा हम लकड़ी का तड़े आरे क्यों खो में सटे में चली जा हम लकड़ी का तड़े आरे पहले कोई एक दो वजह बता सकते हो एक दो हाँ
एक बजे की पूर्ति ना होगी इधर से। एक बजे वो कौन सी है? पहली वजह है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है ब्याह करवाने का। ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो? बिजनेस ये है कि सुबह जल्दी उठ करके जंगल बियाबान में आता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद लकड़ी काटता हूँ पूरे दिन। पूरा दिन? हाँ, और शाम को 5 बजे यहाँ से लकड़ियों को ले जाकर के बाजार में बेचता हूँ। अच्छा, रात हो जाती है और फिर रात को घर पहुँचता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, फिर अपने अंधे माता पिता को खाना खिलाता हूँ। अच्छा, तो जाऊँगा घोड़ी पर चढ़ के नहीं बता। तो समस्या ये है कि अंधे माता पिता है और घर का काम जो करने वाले हो तुम अकेले हो। हाँ, तो फिर तो और ज्यादा बढ़िया है ब्याह करवाना। क्या बढ़िया है? क्योंकि मैं आ जाऊंगी तो तुम्हारा सहारा बनूंगी। सबसे पहले तो लकड़ी कटवाने के लिए साथ जाऊंगी, जल्दी काम खत्म होगा। और जब बाजार में भी आपके साथ चलूंगी ना, दो चार ग्राहक तो वैसे आ जाएंगे, माल यूं ही मिल जाएगा। अच्छा, और जब शाम को घर जाएंगे तो सहारा बनूंगी, खाना मैं बनाऊंगी, तुझे तो बस आराम करना है। परम आदरणीय हमारे बाबा खेताराम जी जोड़े की रागनी पर फिर से आशीर्वाद देते हैं एक बार जोड़कर साथियों। और हमारे बड़े ही प्रिय मित्र हैं, बड़े भाई देशनाथ सरपंच साहब जी नारायण गांव से, उनकी तरफ से भी 500 रुपये पुरस्कार आशीर्वाद हमारी टीम के लिए आया। गिरदार जी उनकी तरफ से भी 100 रुपये आशीर्वाद नारायण गांव से। परम आदरणीय कैलाश सौदागर जी और लक्ष्मी नारायण मुनी नारायण गांव से 100 रुपये सम्मान किया। हमारे दयाराम सरपंच साहब जी और महाराम थोड़ेदार जी उनकी तस्वीर 5 रुपये का प्रसार हमारी टीम मिला। एक बार जोर डाल रहे साथियों, स्वागत प्रदान करते हैं। आइए साथियों, शरीर एक दिन हरिराज पाठ आनंद छोड़ के ये फायदा दुख ओटे में मेरे साथ लाखड़ी ढोलूंगी तो साथ लबे और टोटे में तेरी पतली कमर तेरी मोटी कमर तेरी पतली कमर जब आ जाती ज्यादा वजन भरो बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। आप समझा लो, मेरी समझ में नहीं आने वाली। नहीं आने? हाँ हाँ। फिर के
कैसे बात बनेगी? आप कहते जाओ, सुनो मेरी बात। Yes, sir.
चांदी का फर्क होता है, गधे घोड़े में फर्क होता है, सोना चांदी में फर्क होता है। समझो कृषि करने के माध्यम से वो सत्यवान साहब क्या समझा। Yeah.
होती है। यही माँ दुर्गा शीतला के रूप में पूजी जाती है। चुड़ैल और डंकली के रूप को भी इसी और देखा गया है। नंबर दूसरी बात के माध्यम से पंडित जी ने इस औरत के रूप का वर्णन किया, कर दिया, क्या बता दिया। अरे राम लखन सिंह की समय की कूप में हो।
इतनी सुंदर भारत ने आज तक नहीं देखी। देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे मेरा रिश्ता आया, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया, लेकिन आज मेरी दासी ने मेरा सारा ईमान ठुकरा दिया। मेरा सुनना की छोटे रुपया दूसरी बात मालूम से क्या ठुकरा दिया। किसी कड़ी के माध्यम से वो कीचड़ की बारे में कितने लगा।